फाइनली उज्जैन जाने का दिन आ ही गया। तो मेरा नाम है मयूर और ये सब मेरे दोस्त हैं और आज हम जा रहे हैं उज्जैन। और ये व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली के लिए, वॉच फुल वीडियो गाइस। और ये है हमारी प्यारी सी क्यूट सी नागपुर सिटी। तो कैसे है गाइज, कमेंट करें। एंड ये रहा हमारा नागपुर जंक्शन। यहीं से हमारी फर्स्ट टाइम उज्जैन जाने की जर्नी स्टार्ट होती है। तो एंजॉय गाइज एंड वॉच फुल वीडियो। तो निकल चलती है हमारी उज्जैन की जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन। उज्जैन जाने का मेरा फर्स्ट टाइम था, बहुत हैप्पी था मैं आपके जैसा, क्योंकि आप भी कभी अपने लाइफ में उज्जैन गए होंगे। अगर नहीं गए तो जल्द ही जाए, जैसे हम जा रहे हैं जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन से। आज तो सभी दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि 7 दिन बाद हमारी ट्रेन जो लेने आई थी हमको नागपुर जंक्शन पर, वो भी उज्जैन के लिए। और ये दिन सबके लिए बहुत ही अच्छा था। एक बात बताना चाहता हूँ, ये ट्रेन हमारी नहीं है बल्कि सरकार की है।
और शाम हो चुकी थी और हम सब जगे हुए थे क्योंकि सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं तो बढ़िया मज़े ले रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था गाइस, और ट्रेन में सबसे बात करना, इधर उधर घूमना बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबकी अलग अलग भाषा है, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था बट मज़ा तो पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा। फाइनली ट्रेन रुक जाती है, मुझे तो लगा उज्जैन ही आ गया, ऐसा नहीं था। फिर क्या, देखो आगे। और ये दोस्त बहुत ही अच्छा था जो हमें ट्रेन में मिला था, और हमने इनसे फ्रेंडशिप कर ली। नाम तो हमें अभी याद नहीं है बट दोबारा कभी मिलना होगा तो ज़रूर मिल लेंगे। और फाइनली उज्जैन जंक्शन आ ही जाता है। सभी दोस्त थके जरूर थे, बट उसके पहले एक लाइन कहना चाहता हूँ तो ज़रूर सुनिए गाइस। वो क्या ही थकना जो भगवान के मंदिर तक ना खुद को ले जा सके। तो कैसी लगी लाइन गाइस, कमेंट में बताएं। और ये रही प्यारी सी उज्जैन सिटी जो सबके लिए खास है। और 10 घंटे बाद हम सब होटल में रेस्ट के लिए रुक जाते हैं। सुबह सुबह निकल चलते हैं हम महाकाल जी के दर्शन के लिए। तो सामने का वीडियो देखो गाइस, स्वीट क्यूट नाइस आउटस्टैंडिंग म्यूजिक के साथ। तो मैं रहा आपका हल्का फुल्का मिनी व्लॉगर एंड द ग्रेट डायमंड। तो सी गाइस, और अच्छा लगे तो मेरे भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। थैंक यू।